ये अर्धशिक्षित लोग हैं, ये विरोध करते हैं, जिनको पता ही नहीं है कि समाज में क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। ये चाहते हैं कि इनसे पूछकर सब काम हो। एक बात बताइए, क्या किसी समुदाय विशेष से पूछकर फिल्म में बना करेंगी? और रह गई बात इनके बायकॉट की, तो इनके बायकॉट से कुछ होता नहीं। संजय लीला भंसाली का पद्मावत जो थी फिल्म, उसका विरोध किया, हिट हो गई। अलंकित श्रीवास्तव की फिल्म आई लिपस्टिक अंडर माई बुरका, उसका विरोध किया, हिट हो गई। विद्या बालन की डर्टी पिक्चर का इन्होंने बायकॉट किया, हिट हो गई। दीपिका पादुकोण की, रणबीर सिंह की रासलीला रामलीला का विरोध किया, हिट हो गई। आमिर खान की पीके आई, विरोध किया, हिट हो गई। विशाल भारद्वाज की हैदर आई, विरोध किया, हिट हो गई। इस साल इन्होंने लाल सिंह चड्ढा, रक्षाबंधन, ब्रह्मास्त्र, सबका बहिष्कार करने की अपील की। क्या क्या हुआ? सारी फिल्में जोर शोर से देखी जा रही हैं, और वही पठान के साथ हो रहा है। तो ये बायकॉट करने से कुछ नहीं होता। मानक जी, मैं आपको बताता हूं कि सेंसर बोर्ड ने अगर इनके दबाव में आकर 10-12 दृश्यों को काटा है या उस गाने में कोई हेर फेर की है तो गलत किया है। मैं 2011 में सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन का मेंबर था। 2011 में प्रकाश झा की फिल्म आई, कांग्रेस की यूपीए की सरकार थी, आरक्षण फिल्म आई। आरक्षण फिल्म का बहुत विरोध हुआ, और तो और जो कांग्रेस के सांसद थे पी के पूनिया, वो उस वक्त आदिवासी ये अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष भी थे, उन्होंने कहा, उन्होंने तलब किया, लीला सैमसन हमारी चेयरपर्सन थी, उन्होंने कहा पहले फिल्म हमको दिखाओ, उसके बाद रिलीज करेंगे। हम लोग अड़ गए, हमने कहा कांग्रेस की सरकार, कांग्रेस की सरकार का सेंसर बोर्ड। हम लोगों ने कहा कि नहीं, सेंसर बोर्ड के देखने से पहले ये फिल्म किसी नहीं दिखाई जा सकती। पी के पूनिया अड़े रहे, लेकिन हम लोगों ने उनकी बात नहीं मानी। और मानक जी, तमाम विरोध के बावजूद आरक्षण फिल्म को एक भी कट लगाए बिना हमारे सेंसर बोर्ड ने पास किया। तो ये सेंसर बोर्ड की जिम्मेदारी होती है। सेंसर बोर्ड का काम यह नहीं है कि किसी एक समुदाय विशेष के दबाव में आकर वो किसी फिल्म में परिवर्तन करे, काट छांट करे। हाँ, अगर काट छांट करनी है और उसको ऐसा लगता है कि काट छांट यहां यहां जरूरी है तो करे, लेकिन किसी एक समुदाय विशेष के दबाव में आकर ये करना बहुत ही अच्छा, पंकज जी दुर्भाग्यपूर्ण आपको क्या समझ में आ रहा है, ये विरोध क्यों हो रहा है पठान का? क्या इसलिए कि उसमें शाहरुख खान है, कुछ नाम है, या फिर दीपिका पादुकोण जैसे मैंने जेएनयू वाला कनेक्शन बताया, या फिर सिर्फ मीडिया में आने के लिए? मैंने कहा ना कि ये अर्धशिक्षित लोगों का काम है, जिनकी जागरूकता का स्तर ये है कि उनको हर चीज का विरोध के लिए विरोध करना है। अब ये तो तिवारी जी बताएंगे कि क्यों इस फिल्म का विरोध किया जा रहा है। कह रहे हैं कि भगवा वस्त्र पहने हुए थी दीपिका पादुकोण और उसमें बेशर्म रंग। अरे वो बेशर्म रंग उन वस्त्रों के बारे में कहा ही नहीं गया है। उस गाने के बोल ध्यान से सुनिए, उसमें बेशर्म रंग चढ़ा मुझ पर, इस तरह का है। एक बेशर्मी का रंग चढ़ा था उसका, उससे क्या लेना देना है? और उसके बाद बहुत से ऐसे गानों की मिसालें लोग दे चुके हैं, तमाम वीडियोस वायरल हुए हैं जिनमें इनके भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, आज के नेता हैं, बड़े बड़े नेता हैं जो फिल्मी दुनिया में थे, वो किस तरह के गानों पर नाच रहे हैं भगवा रंग के साथ। तो ये बेकार का सिर्फ विरोध करने के लिए विरोध करना और समाज में एक ये संदेश देना कि बिना इनके मर्जी के, बिना इनके कहे कोई चीज होनी ही नहीं चाहिए, अच्छा, पूरी तरह से इस ओके, तरह की आजादी को जो है, आजादी का हरण करना, ये ठीक नहीं है। ये एक बीमार मानसिकता है। ओके।